Find distance x where force must be applied on a plank. Length is same. Length of both the rods is same. Length is same. Uh, L cross section area A1 Young's modulus Y1. Length L cross section area A2 Young's modulus Y2. And a force is applied at distance x from rod 1, and separation between this is a small d. So, <clears throat> find the distance x equating strain. Yes. Keep plank remains horizontal, means same strain. blank remains horizontal. मीन्स सेम स्ट्रेंथ दोनों में स्ट्रेंथ सेम होगा मतलब लेंथिंग एलोंगेशन बोथ रॉड में सेम सो देट की ये जो है हॉर्जेंटल ही रहे सो फॉर प्लैंक फॉर प्लैंक टू बी हॉर्जेंटल फॉर प्लैंक टू बी हॉर्जेंटल प्लैंक टू बी हॉर्जेंटल स्ट्रेन मस्ट बी सेम 1 is equal to 2. अब यहां से अगर इसमें कुछ फोर्स जनरेट होगा अगर हम प्लांक के बॉडी डायग्राम को देखते हैं तो इस पॉइंट पे फोर्स होगा आ, टेंशन जनरेट होगा इसमें टी वन इसमें जो है टेंशन जनरेट होगा टी टू और इस पॉइंट पे है फोर्स एफ Length to be horizontal. Strain epsilon one is equal to epsilon two. A distance X. The epsilon. Yes, sir. Epsilon 1. Epsilon 1 is equal to sigma 1 by Y1 is equal to sigma 2 by y2. Sigma. Yes, sigma 1 is equal to. टी वन बाई ए वन टी टू बाई ए टू ये इक्वेट कर दिया तो यहां से टी वन बाई टी टू टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू ए वन वाई वन बाई ए टू वाई टू इक्वेशन वन स्ट्रेन इक्वेट करने से ये दोनों के टेंशन का ये रेशियो है अब नेक्स्ट है कि फाइंड एक्स फाइंड करना है तो एक्स फाइंड करने में ये प्लैंक जो है वो इक्विलिब्रियम में है और प्लैंक का इक्विलिब्रियम टॉर्क जीरो हां टॉर्क जीरो फोर्स जीरो नेट टॉर्क भी जीरो नेट फोर्स भी जीरो किस पॉइंट के अबाउट अबाउट फोर्स जीरो यस तो, तो, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेट कर देंगे तो t1 x t2 d x सोटी वन बाई टी टू इज इक्वल टू डी माइनस एक्स माइनस इक्वेशन नंबर टू ये वन टू को इक्वेट करके एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे वन टू को इक्वेट कर देंगे डी माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू ए वन वाई वन बाई ए टू वाई टू तो अनोन इसमें एक ही है एक्स एक्स का आंसर आ जाएगा A two Y two D minus A two Y two X is equal to A one Y one X. So X is equal to A two Y two divided by A one Y one plus A two Y two into D. Yeah. Yes, sir. यस yes, sir. तो ऐसे फाइंड yes, किस पॉइंट पे है एक्स का फोर्स का मैग्नीट्यूड भी अगर फाइंड करना है एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ से टी वन टी टू भी फाइंड कर सकते हैं एरिया गिवन है एक्सपोर्ट करके फोर्स इंटरनल फोर्स इंटरनल स्ट्रेस वो सब भी फाइंड हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन का प्लॉट है ये जो है एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट भी है इसका इलेवेंथ में इलेवेंथ में जो है ये चीज है कि ग्राफ को प्लॉट करना है और हुक्स लॉ को वेरीफाई करना है फॉर अ गिवन वायर तो लैब में ऐसा सेटअप होता है यंग्स मॉडल्स के एक्सपेरिमेंट के लिए कि इस वायर हम सस्पेंड करके और स्केल स्केल अटैच होते हैं वहां से हम रीडिंग, रीडिंग ले सकते हैं कि वेट अगर ऐड करते जाएंगे तो फिर उसमें कैसे लेंथ में चेंज होगा तो वो फोर्स और आज कुछ मौसम ठीक नहीं लग रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो वो जो एक्सपेरिमेंट है उसी का प्लॉट है वैसा ही तो वाई एक्सिस पे है स्ट्रेस फिर आपका वाई एक्सिस पे है स्ट्रेस आज ये कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशन है पता नहीं क्यों बारिश भी तो नहीं है स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे है स्ट्रेन वाई एक्सिस पे स्ट्रेस एंड एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन सर आप अपना वीडियो क्या वीडियो सर आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए थोड़ा सा लेक्चर कम हो सकता है अच्छा चल ठीक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ है okay. uh, तो ये ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, है ऐसा मिलता स्ट्रेट लाइन। अप टू सम पॉइंट अप टू सम पॉइंट जो है वो है स्ट्रेट लाइन मिलता है जो कि होता है हुक्स लॉ से ये चीज आता है कि हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो ये ग्राफ मोस्टली हम ड्रॉ करते हैं ये जो ग्राफ है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ही प्लॉट होता है ये जो है लॉन्गिट्यूडनल ही है और कोई स्ट्रेन नहीं है ये लॉन्गिट्यूडनल है बट ये चीज मेंशन नहीं होता है कहीं पे भी तो ये हमारा वायर का ही प्लॉट है वायर का प्लॉट है वायर के लिए हम वेट सस्पेंड करते जा रहे हैं उसको प्लॉट कर रहे हैं तो अपू सम पॉइंट जो है ये मिलता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा पी एंड पी इज कॉल्ड प्रपोर्शनैलिटी लिमिट पोर्शनैलिटी लिमिट प्रपोर्शनैलिटी लिमिट मीनस अपॉर ओपी जो है ओपी तक जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा तो अगर ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो क्या ये बता सकते हो कि जो इसका स्लोप होगा इस लाइन का स्लोप वो क्या रिप्रेजेंट करेगा स्लोप। टेन थीटा इज इक्वल टू यंग मतलब अगर दो मटेरियल के ग्राफ दिए हुए होंगे एक का स्लोप कम होगा इसका स्लोप ज्यादा होगा तो हम देख लेंगे कि किसका यंग्स मॉडल ज्यादा है जिसका स्लोप ज्यादा है उसका यंग्स ज्यादा है कई बार क्या है कि ये ग्राफ चेंज भी हो सकता है एक्सिस चेंज हो सकती है हो एक्सिस चेंज हो सकती है मतलब स्ट्रेस जो है हॉर्जेंटल एक्सिस पे आ जाएगा और स्ट्रेन वर्टिकल एक्सिस पे आ जाएगा तो उस केस में जो स्लोप होगा वो क्या होगा वन बाई यंग अगर कॉर्डिनेट्स एक्सिस चेंज हो जाते हैं ये तो टिपिकल सा ग्राफ है बट एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए कि भाई एक्सिस को चेंज कर दिया गया एक्सिस को चेंज कर दिया गया स्ट्रेस जो है वो हॉर्जेंटल पे है और स्ट्रेन वर्टिकल पे है तो उसमें जो स्लोप होगा वो क्या बता देगा वन बाई यंग स्मलेस यहाँ पे अगर ये चेंज होगा तो थीटा इज इक्वल टू वन बाई यंग स्मॉनलेस बट अभी यहाँ पे स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है तो ये अपना यंग स्पॉनल है इसका एरिया क्या बताएगा अगर मैं सपोज ये एरिया फाइंड करता हूं ऐसे ये एरिया कुछ मिलेगा किसी भी एक्सेस के साथ एरिया no, इसका एरिया होगा कि सर वो स्ट्रेस टू तो, पोटेंशियल तो 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 पोटेंशियल एनर्जी अच्छा पर यूनिट वॉल्यूम यस जो एरिया होगा ये जो एरिया है एरिया ऑफ इसको मैं बोल सकता हूं कि ये मान लो ए मार्क कर देता हूं तो एरिया जो है इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हाफ स्ट्रेस इन स्ट्रेन होगा ये पोटेंशियल एनर्जी पर एनर्जी पर तो ये तो हो पर... लिमिट भी बोल सकते हैं नहीं नहीं रुक तो जाओ कंट्रोल यह है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाद अगर हम फर्दर लोड और इंक्रीज कर देते हैं तो लोड इंक्रीज करने से यह नॉन लीनियरली मूव करता है मतलब अब यह लीनियर टाइप का ग्राफ छोड़ देगा और ऐसा कुछ नॉन लीनियर टाइप का होगा और यहां तक आता है तो ये होता है अपनी इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि अगर अभी भी इस वायर को बक्स दिया जाए लोड हटा दिया जाए अनलोड कर दिया जाए तो भी वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा विथ समिफॉर्मेशन विथ सम डिफॉर्मेशन थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन रहेगा जिसकी वैल्यू वन परसेंट से भी कम होती है विथ समिफॉर्मेशन एंड दिस डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड परमानेंट सेट

बट अगर वहां से फर्दर कुछ पॉइंट आता है तो एक होती है इलास्टिक लिमिट उस इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर हम रिलीज करेंगे तो कुछ डिफॉर्मेशन रहेगा जो कि बहुत ही नेग्लेजिबल लेसेंट ही रहेगा इस टाइप का तो ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा विथ डिफॉर्मेशन तो ये होता है इलास्टिक लिमिट तो इस प्रपोर्शनल से इलास्टिक लिमिट तक हुक्स लॉ वैलिड नहीं है बट वो प्रॉपर्टी है कि ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर पाएगा मेंटेन कर पाएगा वो तो अब इस इलास्टिक इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनलिटी लिमिट से हमेशा ज्यादा होता है हाँ इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनलिटी लिमिट से ज्यादा होता है फिर इस इलास्टिक लिमिट के बाद आता है जस्ट इससे बियॉन्ड अगर फर्दर हम कोई फोर्स थोड़ा बहुत भी इंक्रीज करते हैं थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो हमें मिलता है यील्ड पॉइंट वाई इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट यील्ड पॉइंट पॉइंट ऐसा point है जैसा कि शायद अगर एक्सपीरियंस किया होगा प्लास्टिक के साथ जैसे प्लास्टिक की जो पॉलिथीन बैग है पॉलीथिन बैग को स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रेच करते हो तो वो रजिस्ट करता है करता है फोर्स बढ़ाएंगे स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन इंक्रीज होगा स्ट्रेस बढ़ाए स्ट्रेन इंक्रीज होगा एक पर्टिकुलर लिमिट में पहुंचने के बाद बिना स्ट्रेस बढ़ाए हुए ही वो अपने आप फ्लो टाइप का करता है कि बिना हमने फोर्स वोर्स बढ़ाया नहीं स्ट्रेच करते करते फिर एक टाइम के बाद ऐसे स्ट्रेन मिलेगा बिना के विदाउट एनी एडिशनल स्ट्रेस तो उस पॉइंट yes को बोलते हैं यील्ड पॉइंट यील्ड पॉइंट मतलब क्या है कि बिना किसी एडिशनल स्ट्रेन स्ट्रेस के ये मटेरियल फ्लो टाइप का करेगा ऐसे एक स्ट्रेन मिलेगा ऐसे. तो यहां से जो है वो तो स्ट्रेट लाइन हाँ, है स्ट्रेट लाइन है ये जो है स्ट्रेट लाइन है तो यहां से हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेन यील्ड होता है स्ट्रेन मिलता है एक्स्ट्रा स्ट्रेन विदाउट एनी एडिशनल स्ट्रेस मतलब थोड़ा बहुत किसी में अप्लाई करना पड़ा तो भी ठीक है बट अगर वो स्ट्रेस हमने बढ़ाते के, बढ़ाते के, बढ़ाते गए 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 इलास्टिक अगर क्रॉस क्रॉस होता है इलास्टिक इलास्टिक अच्छा पॉइंट और इलास्टिक लिमिट और यील्ड जो है वो ऑलमोस्ट बहुत ही क्लोज होते हैं तो इस इस पॉइंट के बाद जैसे इलास्टिक लिमिट बीता उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत स्लाइड भी हमने इंक्रीज किया तो मटेरियल का एक फ्लो मिलता है जिसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट तो ये जो है ये जो ई पे जो बाउंड्री है इस बाउंड्री से पहले मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसे है इलास्टिक टाइप का है इलास्टिक अब ये जो चेंजेस हैं वो इवर्सिबल है. है मतलब यील्ड पॉइंट तक पहुंच गया है यील्ड पॉइंट तक पहुंच गया या इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई तो अब वहां पे मटेरियल को रिलीज करेंगे तो वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगा अब जो हो गया सो हो गया बात खत्म इन चेंजेस तो ये जो है प्लास्टिक बिहेवियर इसके बाद होता है फिर एक स्ट्रेन के बाद फिर ये मटेरियल रुक जाता है रुकने के बाद फिर अगर हम स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा कुछ ये मटेरियल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और बढ़ने से पहले एक मैक्सिमम वैल्यू ये रिसीव करेगा दैट मैक्सिमम पॉइंट इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस दैट एनी मटेरियल कैन होल्ड दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस दैट मटीरियल कैन होल्ड यू इज कॉल्ड अल्टीमेट पॉइंट Ultimate stress, ultimate stress, या ultimate point. और उस ultimate point, मतलब अब जितना झेल सकता है झेलने की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम है अल्टीमेट है इसके बाद इसके बाद फिर फर्दर ये मटेरियल ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने से पहले थोड़ा सा कुछ वो एलोंगेट टाइप का ऐसा होता है और उसके बाद ये जैसे ब्रेक हो जाता है इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट मटेरियल ब्रेक हो गया <coughs> तो किसी के दिमाग में ऐसा आएगा किसी के दिमाग में आएगा सर ये स्ट्रेस तो इससे कम ही है ना वैज्ञानिक ज्यादा सोचने पे अभी नहीं कभी सोचोगे रिवाइज करोगे तो ऐसे दिमाग में आ जाएगा कि ये तो इससे कम है तो फिर ये ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना आ रहा है और ये इतना आ रहा है ये कैसे हो गया कि झेल सकता है ज्यादा और ब्रेक हो गया पहले ही तो इसका एक रीजन है इसका रीजन जो है वो मटीरियल के बिहेवियर में है कि जैसा वो पैटर्न मिलता है जैसे मान लो कि हम मटीरियल को ऐसा कोई वायर है इस वायर को हम ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्ट्रेच करेंगे मान लो कि ये फोर्स फोर्स है ऐसे force. तो ये मटेरियल ब्रेक होने से पहले इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं नेकिंग नेक टाइप का फॉर्मेशन होगा मतलब जहां पे भी ये मटेरियल ब्रेक करेगा वहां पे पहले टूटने से पहले थोड़ा सा ऐसे थिन हो जाएगा ये ठीक है यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मान लो यहाँ से फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेच करे तो जहां पे भी ब्रेक होना होगा वहां पे वो मटेरियल पहले थिन होगा थिन होगा तो इसको हम बोलते हैं नेकिंग नेकिंग का प्रोसेस होता है तो अब सोचो कि ये फोर्स तो वही है बट एरिया क्या हुआ एरिया कम हो गया एरिया कम हुआ तो स्ट्रेस क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा तो मतलब ब्रेक होने Increase से पहले करेगा। फोर्स सेम है वही फोर्स है बट ब्रेक होने से पहले जो नेकिंग वाला प्रोसेस होता है उस नेकिंग में एरिया डिक्रीज कर जाता है और स्ट्रेस जो होगी स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाएगी और फिर ब्रेक हो जाएगा मतलब ये ब्रेक तो हो रहा है भाई ठीक है हम उतना बोल रहे हैं कि यहां तक यहाँ तक, तक जा रहा है बट ये जो सडन जंप हो रहा है इस सडन जंप का रीजन है कि हम स्ट्रेस नहीं बढ़ा रहे हैं भाई मतलब फोर्स नहीं बढ़ा रहे हैं ये बढ़ रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन एरिया टूटने से पहले स्ट्रेस में एक स्पाइक होगा और उसके बाद वो ब्रेक होगा तो मटेरियल हो हो ब्रेक होने से पहले नेक फॉर्म करेगा उसके बाद ब्रेक करता है तो इस नेकिंग प्रोसेस की वजह से जो हमारा अल्टीमेट वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा स्पाइक करता है नॉर्मल ट्रेंड से आ, इसलिए ऐसा होता है समझे कुछ अलग ये कोई पूछेगा नहीं बट बता दिया कि ये क्यों इंक्रीज होता है तो यहां से ये है इसका पूरा लाइफ साइकिल और ये मटेरियल जो है यहाँ पे ब्रेक हो गया तो हमारे जो पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट्स हैं। वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इलास्टिक लिमिट अल्टीमेट स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग पॉइंट अल्टीमेट स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग पॉइंट <coughs> इसमें से इलास्टिक लिमिट से पहले इलास्टिक की प्रॉपर्टी तो? hmm. बोलो सर वो इलास्टिक लिमिट और जो जो क्लिक है ना, वो जो सेट इलास्टिक लिमिट जो है लिमिट इज रिलीज एट इलास्टिक लिमिट इफ मटेरियल और वायर इज रिलीज देन इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज विथ परमानेंट डिफॉर्मेशन परमानेंट सेट कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा वो नहीं जाएगा जैसे मान लो हमने वायर को अगर छोड़ दिया वायर की लेंथ मीटर थी हमने उसको स्ट्रेच करके रिलीज कर दिया तो वो वन रहेगी एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा प्रपोर्शनैलिटी लिमिट से पहले छोड़ देते हैं तो कंप्लीट गेन प्रपोर्शनैलिटी के बाद और इलास्टिक से पहले अगर रिलीज कर देते हैं तो गेन विथ सम डिफॉर्मेशन वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन अब इलास्टिक के बाद भी अगर नहीं छोड़ते हैं तो कुछ नहीं हो सकता है इसके बाद प्लास्टिक बिहेवियर हो जाता है इसके बाद वो अपने शेप को रिगेन नहीं करेगा ठीक है तो उसके बाद पॉइंट आता है और ब्रेक हो जाता है ठीक है तो ये इसके साइकिल के जो है चार पांच तो मतलब ब्रेक तो इधर होगा ना फ्रैक्चर पॉइंट यील्ड पॉइंट पे तो ऐसा हमें हाँ मिलती है तो अब इसके ऊपर ऐसा पूछा जा सकता है कि सपोज ये दो मटेरियल है और ये दो मटेरियल का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ है विच विच वन इज स्ट्रांगर वन सर the, स्लोप ज्यादा है यंग्स मॉडल ज्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा ज्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग है सो वन इज स्ट्रोंगर वन इज स्ट्रॉगर स्ट्रोंगर मटीरियल मटीरियल ड्यू टू हाई यंग मॉडल Now suppose this graph is for same material, a material, donograph, and at different temperatures. And at different temperatures. Then which one, which temperature is higher? If the graph is for same, graph is for same material, but one is at high temperature, another one is low at low temperature. So which one is a high temperature? Between T1 and T2. T2.

Material then T2 is at T2 is high temperature. Yeah, graph 2 is at high temperature. 2 is at high temperature than 1. That means T2 is more than T1. दूसरा कंपैरिजन और टिपिकल सा है कि अगर ऐसा दो मटेरियल के लिए ग्राफ है दो मटेरियल के लिए ग्राफ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ है ऐसा ये वन है एंड ये टू है विच वन इज डक्टाइल एंड विच वन इज ब्रिटिल डक्टाइल कौन सा है टू वन वन डकटाइल है ब्रिटिल कौन सा है A two. A two. ब्रिटिल जो है वो टू है डक्टिलिटी मतलब क्या है उसकी स्ट्रेन उसमें ज्यादा होना चाहिए ना डक्टाइल और ब्रिटिल ब्रिटिल मतलब क्या हो तुरंत ब्रेक हो जाए जिसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा है वो ज्यादा डक्टाइल है प्लास्टिक रीजन हम फोर्स अप्लाई करके उसको स्ट्रेच कर सकते हैं ठीक है उसको स्ट्रेच कर सकते हैं तो जिसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा है वो ज्यादा डक्टाइल है जिसका प्लास्टिक रीजन कम है वो ब्रिटिल है तो इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो टू का जो है वो तो प्लास्टिक, प्लास्टिक प्लास्टिक रीजन ज्यादा है सो टू इज डक्टाइल एंड वन इज ब्रिटिल स्ट्रेस जो है वो डक्टिल समझ में नहीं आता टू और वन का डक्टिलिटी मीन्स क्या है कि उसके जो है स्ट्रेच करने की प्रॉबिलिटी स्ट्रेच uh, करने की प्रॉपर्टी डक्टिलिटी और ब्रिटिलिटी का मतलब क्या है फोर्स हम ब्रिटिल है मतलब इमीडिएटली ब्रेक हो जाए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसमें कुछ स्ट्रेन क्रिएट ना हो तो ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट होगा जिसमें वो मटेरियल ज्यादा डक्टाइल होगा तो प्लास्टिक रीजन में जिसका ग्राफ ज्यादा होगा दैट मटेरियल विल बी मोर डक्टाइल तो ये वाला ग्राफ प्लास्टिक वाला ग्राफ ज्यादा होना चाहिए तो वो मटेरियल डक्टाइल होगा स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही है ठीक है प्लास्टिक वाला हाँ, काम ठीक है तो ये डक्टाइल बेटिल हो गया डक्टाइल बेटिल हो गया स्ट्रॉन्गर वीक हो गया हाई टेंपरेचर लो टेंपरेचर हो गया इतना बहुत है एंजॉय करो सर हाँ बोलो सर इस ग्राफ में अगर देखेंगे किसका ज्यादा स्ट्रेंथ है तो क्या होगा स्ट्रेंथ वही है वन का स्ट्रेंथ ज्यादा है वन का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो लेकिन वन तो जल्दी ही टूट तो तो जाएगा ना जल्दी ही नहीं हाँ ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वन जो है स्ट्रेन क्रिएट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा स्ट्रेन मतलब ऐसा ही बोल सकते हो कि जल्दी टूट जाएगा ये फोर्स अगर हम बढ़ाते जाए तो ये जो है टूट जाएगा यहाँ पे हमारा फोर्स वाला कंसर्न ही नहीं है समझ रहे फोर्स कंसर्न है नहीं कि इसमें कम फोर्स लग रहा है किसमें ज्यादा लग रहा है वो मटेरियल वो कंसर्न नहीं है मेरा कंसर्न इतना है कि मैं जब फोर्स अप्लाई करूं भी उसको तो वो स्ट्रेच होगा या नहीं होगा ये कंसर्न है दोनों कंसर्न अलग अलग है समझ रहे हो सर मुझे डाउट है yes, सर हम्म बोलो क्या डाउट है बताओ सर ये यहाँ पर इस ग्राफ में दिखाए थे कि ये फर्स्ट वाला जो ग्राफ है वो ब्रिटल है मतलब वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है, है मतलब वो उतना जल्दी टूटेगा नहीं तो सर वो ब्रिटल भी है और उसके अंदर वो इलास्टिक प्रॉपर्टी भी है स्ट्रॉन्ग है एंड ब्रिटिल है ब्रिटिल इन सेंस देखो दोनों आस्पेक्ट डिफरेंट है कि ब्रिटिल होने का मतलब है कि फोर्स मेरा कंसर्न नहीं है ठीक है फोर्स यहाँ पे है कि भाई कम फोर्स में मुझे ये स्ट्रेन मिल रहा है मेरा कंसर्न इतना है बस डक्टिलिटी एंड ब्रिटिलिटी फोर्स कम हो या ज्यादा हो फोर्स अप्लाई करने पे वो वायर मैं बना सकता हूँ या नहीं इस मटेरियल का मुझे वायर बनाने के लिए एक सुटेबल मटेरियल सेलेक्ट करना है और दो ग्राफ अगर अवेलेबल हैं तो मैं वो मटेरियल सेलेक्ट करूंगा जो डक्टाइल है जिसका मैं वायर बना सकता हूँ थिन शीट बना सकता हूँ जो भी तो ऐसे सर मतलब ग्राफ जहाँ पे एंड हुआ है वो पॉइंट बी है ब्रेकिंग पॉइंट हाँ सर ग्राफ का जहाँ पे एंड हुआ, हुआ है वो ब्रेकिंग पॉइंट है ग्राफ का जहाँ पे एंड हुआ है वो ब्रेकिंग पॉइंट है यस ग्राफ जहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट वही है और क्या ग्राफ जहाँ पे एंड हुआ है वो ब्रेकिंग पॉइंट है तो डक्टिलिटी एंड ब्रिटिलिटी क्या है कि भाई जिसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा होगा प्लास्टिक रीजन ज्यादा होगा वो स्ट्रेंथ से मतलब नहीं है स्ट्रेंथ दोनों चीजों को एक साथ क्यों कर रहे हो स्ट्रेंथ एक अलग चीज है भाई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ठीक है वो स्ट्रेस स्ट्रेन को फॉलो कर रहा है फोर्स में बढ़ाता गया बढ़ाता गया तो ये स्ट्रेस जो है तुम्हें ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेन मुझे यहीं पे मिल जा रहा है यहाँ पे जैसे वायर बनाना है तो इलास्टिक लिमिट से तो ज्यादा पुल करेंगे ना उसको

बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस ग्राफ में ठीक है वैसे आ, जो डक्टिलिटी है वो डिपेंड करता है प्लास्टिक रीजन पे प्लास्टिक रीजन मीन्स बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट जिसका ग्राफ ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा डक्टाइल होगा स्ट्रेंथ इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट डक्टिलिटी इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ज्यादा फोर्स होल्ड करता है बट वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है स्ट्रेन नहीं क्रिएट हो रहा है उसमें कंक्रीट है कंक्रीट ज्यादा स्ट्रांग है ठीक है, मान लो कंक्रीट का कोई स्लैब है और वही मेटालिक स्लैब है तो कंक्रीट पे फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं वो क्या है वो रजिस्ट कर रहा है लेकिन जैसे ही अगर फोर्स बढ़ता भी है तो उसमें प्लास्टिसिटी नहीं है वो तुरंत तुर टूट जाएगा कोई मेटल है मेटल है तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच होगा तो मेटल डकटाइल है, है स्ट्रेंथ ज्यादा है बट स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी अलग अलग, अलग प्रॉपर्टीज है चा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेन ज्यादा हो तो ब्रिटेल हो का वो ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं ब्रिटिल और डक्टिलिटी वो अलग अलग हैं ऐसा नहीं कि ब्रिटिल मतलब है ऐसा होता है कि भाई ब्रिटिल हम उसी को बोलते हैं जो तुरंत फ्रैक्चर हो जाए बट हमारे सेंस यहाँ पे क्या है कि वो ब्रिटिलिटी का सेंस वही है बट ग्राफ के हिसाब से हमें आंसर देना है तुम तो ब्रिटिल मतलब यही सोच रहे हो जैसे फोर्स अप्लाई नहीं किया कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो फिर ब्रिटिल कैसे हो गया इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ब्रिटिल कैसे हो गया ब्रिटिल इन द सेंस है कि उसमें कम स्ट्रेंथ वाले भी ब्रिटिल हो सकता है ज्यादा स्ट्रेंथ वाले ब्रिटिल हो सकता है ऐसे भी हो सकता है ऐसा ग्राफ अगर कोई दे दे तो क्या करोगे मना कर दोगे उसको कम स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ भी कम है और ये ब्रिटिल है ज्यादा स्ट्रेंथ है और ब्रिटिल है समझे दोनों को एक साथ मिक्स मत करो मतलब ऐसा कुछ yes, नहीं है कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी हो सकती है हम दोनों अलग अलग पैरामीटर से जज कर रहे हैं ऐसा भी हो सकता है अभी बिकम स्ट्रेंथ भी कम है ब्रिटिल भी है ठीक है तो ये हो गया अपना स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ और इस स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पे के पैरामीटर और उसके बाद है कुछ ऐसे ग्राफ हैं जो कि हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं जैसे हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन फॉर नेचुरल रबर तो उनको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स इलास्टोमर्स अदर द मटीरियल्स विच डू नॉट फॉलो हुक्स लॉ द मटेरियल्स द मटेरियल्स विच डू नॉट फॉलो मटेरियल्स विच डू नॉट फॉलो हुक्स लॉ होक्स लॉ को जो फॉलो नहीं करते हैं जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं तो ऐसे टाइप का मटेरियल जैसे एग्जाम्पल के लिए है नेचुरल रबर है नेचुरल रबर है सिंथेटिक रबर है ये सब क्या है कुछ और भी मटेरियल्स हो सकते हैं उनका जो है ग्राफ अलग टाइप का होगा स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ कैसा होगा जैसे नेचुरल रबर के लिए जो ग्राफ है वो नेचुरल रबर के लिए ग्राफ स्ट्रेस और स्ट्रेन का इस टाइप का है नॉन लीनियर टाइप का है स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा भी फोर्स अगर इंक्रीज किया तो ऐसे जो है स्ट्रेन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट हुआ उसके बाद फिर हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो ये स्ट्रेन ऐसे करते 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 ऐसे इस टाइप का ग्राफ ये फॉलो करेगा अब यहां से अगर हम अनलोड करते हैं अनलोड करते हैं तो उसमें क्या होगा ये अब उसको रिलीज करेंगे तो ये कुछ डिफरेंट पाथ से रिटर्न होता है यहाँ तो हमने क्या किया भाई कि उधर स्ट्रेस टेन में था कि अगर रिलीज करेंगे प्रोपोशनैलिटी लिमिट में है तो सेम वही स्ट्रेस टेन को फॉलो करते हुए ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा बट ऐसा केस है जो इलास्टोमर्स हैं इलास्टोमर्स मतलब जो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनमें कुछ नॉन लीनियर टाइप का ग्राफ मिलेगा तो अगर उनको हम रिलीज करेंगे तो कुछ डिफरेंट पाथ के थ्रू आते हैं वो उनका नॉन लिनियर टाइप का ग्राफ होता है नॉन लिनियर टाइप का ग्राफ होता है और वो ऐसा कुछ हो जाएगा तो उनको हम बोलते हैं इलास्टिक इलास्टोमर्स और ये हो गया उनका ग्राफ <coughs> तो ये है हमारा जस्ट ये कुछ फैक्ट्स हैं पॉइंट्स हैं